और इस बीच आपको बताते हैं कि ओडेसा पोर्ट के लिए लड़ाई किस तरह से तेज हो गई है। दावा किया जा रहा है कि रमजान कादिरफ ओडेसा पोर्ट को अपने कब्जे में लेकर पुतिन को गिफ्ट कर सकते हैं। वहीं ओडेसा यूक्रेन का सबसे बड़ा बंदरगाह भी है और ओडेसा कीव और खार्किव के बाद यूक्रेन का तीसरा सबसे बड़ा शहर भी है। यूक्रेन की बड़ी इकोनॉमी ओडेसा बंदरगाह पर ही टिकी हुई है। पुतिन के टारगेट पर काले सागर का कोहिनूर। आखिर क्या है ये काले सागर का कोहिनूर जो पुतिन को किसी भी कीमत पर चाहिए? आखिर काला सागर में मौजूद वो कौन सा बंदरगाह है जिस पर पुतिन का कब्जा होते ही ज़ेलेंस्की को भी हार माननी पड़े? आखिर वो कौन सा शहर है जिस पर बसती है पूरे यूक्रेन की जान, जिसके हाथ से निकलते ही पूरे यूक्रेन का मनोबल टूट जाएगा और बाइडेन से लेकर ज़ेलेंस्की तक बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर्स को पुतिन के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे? ओडेसा, काले सागर का कोहिनूर, आखिर क्या है इस पोर्ट सिटी यानी बंदरगाह शहर का सामरिक महत्व और क्यों रूस की विशाल नौसेना अपने युद्धपोत ओडेसा के समुद्र तट पर तैनात करना चाहती है? सवाल ये है कि क्या पुतिन अपना ये सपना पूरा कर पाएंगे, क्योंकि रूस के आर्मी ऑफिसर ही अपने जनरल और सुप्रीम कमांडर इन चीफ पुतिन से काफी ज्यादा नाराज है। और ये बात किसी और ने नहीं बल्कि रूस के अंदर पुतिन के समर्थक एक राष्ट्रवादी ब्लॉगर ने यूक्रेन के युद्धग्रस्त क्षेत्रों में दौरा करने के बाद कही। अगर सेना ही बगावत कर देगी तो पुतिन का अखंड रूस वाला सपना कैसे पूरा होगा? और इन सब के बीच यूक्रेन के अंदर यूक्रेन के सहमे और डरे हुए बच्चों को कैसे दी जा रही है डॉग थेरेपी, सब आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे ओडेसा की, जो मारियुपोल के बाद अब पुतिन के टारगेट पर। ओडेसा के बारे में सबसे अहम बात यह है कि खुद पुतिन के जनरल रमजान कादिरफ ने ये दावा किया है कि चेचन्या की अहमद आर्मी ओडेसा का पोर्ट सिटी जीत कर पुतिन को गिफ्ट कर देगी। ये बात कादिरफ ने तब कही थी जब खार्किव, इज्यूम और लिमान में पुतिन की आर्मी का सरेंडर हुआ था और पुतिन मॉस्को में मातम मना रहे थे। तब पुतिन का गम दूर करने के लिए कादिरफ ने कहा था कि उनकी आर्मी ओडेसा को जीतकर पुतिन को गिफ्ट करेगी ताकि पुतिन का गम दूर हो जाए। और शायद अब वो वक्त आ भी गया है, क्योंकि कादिरफ और रूसी फौज ने योजनाबद्ध तरीके से ओडेसा की पोर्ट सिटी पर हमले भी शुरू कर दिए। आखिर क्यों पुतिन को चाहिए ओडेसा? ओडेसा यूक्रेन का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ओडेसा कीव और खार्किव के बाद यूक्रेन का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। ओडेसा यूक्रेन का एकमात्र गहरे पानी वाला बंदरगाह है। यूक्रेन अपना कुल और निर्यात का लगभग 70% समुद्र से करता है और इसमें भी 65% निर्यात और आयात ओडेसा के बंदरगाह से होता है। ये बंदरगाह राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से भी जुड़ा है। ओडेसा दुनिया के 100 से ज्यादा बंदरगाहों से जुड़ा हुआ है। विश्व स्तर पर माल निर्यात करने वाली कंपनियां ओडेसा में निवेश करना पसंद करती हैं। ओडेसा से पूरी दुनिया के लिए अनाज का निर्यात होता है। 2021 में यूक्रेन दुनिया का चौथा सबसे बड़ा अनाज निर्यातक देश था। ओडेसा के बंदरगाह पर 2500 करोड़ किलोग्राम तक तेल और गैस का भंडार करने में सक्षम एक तेल गैस टर्मिनल भी है। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की खुद ओडेसा में कई दौरे कर चुके हैं और ओडेसा में मौजूद यूक्रेन की आर्मी और नौसेना को ये बात साफ साफ बता चुके हैं कि किसी भी कीमत पर ओडेसा का बंदरगाह पुतिन के हाथ में नहीं जाना चाहिए। जो हाल मारियुपोल के बंदरगाह पर हुआ और कादिरफ की आर्मी ने यूक्रेन के सैनिकों पर कहर बरसाया, वैसा ही कुछ अगर ओडेसा में हुआ तो ये पूरे यूक्रेन के लिए संकट का सबब बन जाएगा, क्योंकि यूक्रेन की पूरी इकोनॉमी ओडेसा बंदरगाह पर टिकी है। अगर ओडेसा बंदरगाह पुतिन के कब्जे में गया तो यूक्रेन अपना माल भी निर्यात नहीं कर पाएगा। अनाज उत्पादन के बाद भी ज़ेलेंस्की अनाज नहीं बेच पाएगा, क्योंकि निर्यात का समुद्री रास्ता ही नहीं मिलेगा। यूक्रेन का दुनिया से संपर्क टूट जाएगा, क्योंकि ओडेसा में रूस की नौसेना यूक्रेन को ब्लॉक कर देगी। पुतिन भी ये जानते हैं कि यूक्रेन ने ओडेसा के अंदर सुरक्षा जबरदस्त तरीके से चाक चौबंद कर रखी है और परिंदा भी ओडेसा में पर नहीं मार सकता। शायद इसलिए ओडेसा का चक्रव्यूह तोड़ने के लिए पुतिन ने ईरान के खतरनाक ड्रोन्स की मदद ली और इन ड्रोन्स ने निशाना ओडेसा के बिजली घरों को बनाया है, ताकि ओडेसा के लाखों लोगों को -4 डिग्री सेल्सियस की ठंडक में बर्फीली हवाओं की मार झेलनी पड़े।